नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए नजर डालते हैं अब हेडलाइंस की ओर। किसानों को मिली राहत, बड़ी एथेनॉल कीमतें, फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी हुआ इजाफा। राजस्थान के 7,000 से ज्यादा किसान अपनी जमीन पर लगवाना चाहते हैं सोलर प्लांट। महाराष्ट्र सरकार का दावा, 97% गायों का वैक्सीनेशन हुआ पूरा, पशुपालकों को दिया गया मुआवजा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की विकास कार्यों की समीक्षा, बोले कृषि विश्वविद्यालय से होगा फायदा। कृषि और प्रोसेस्ड फूड के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज, किसानों को मिलेगा लाभ। ट्रैफिक रूल तोड़ने पर 4 घंटे में कटे 155 लोगों के चालान, 70 तो पुलिस वाले ही निकले। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट और CCEA के बीच चल रही बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के दौरान सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल में मिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही PNK फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी राशि को भी बढ़ाया गया है। खबर है कि केंद्र सरकार ने सी हैवी मोलासेज की कीमत 46.66 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 39.41 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, जबकि बी हैवी मोलासेज का दाम 59.08 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 7.73 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी तरह गन्ने के रस से बनने वाले इथेनॉल की कीमत 63.45 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 65.61 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा GST और परिवहन शुल्क भी लगाया गया है। सौर कृषि आजीविका योजना SKAY को लेकर राजस्थान के किसानों में अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। योजना के तहत 7,217 किसानों ने अपनी बंजर और अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों यानी सोलर प्लांट की स्थापना के लिए SKAY पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इसके साथ ही 753 सौर ऊर्जा संयंत्रों के विकासकर्ताओं ने भी पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इसके साथ ही पोर्टल पर 34,000 से ज्यादा लोगों ने विजिट किया है। बता दें, सौर कृषि जीविका योजना के तहत स्थापित होने वाले सौर ऊर्जा से सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि इनसे उत्पादित होने वाली बिजली आसपास के क्षेत्र के किसानों को ही मिलेगी। उनको दिन के समय कृषि कार्य के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी। महाराष्ट्र के 33 जिलों में कुल 1,72,528 पशु लंपी स्किन रोग से संक्रमित पाए गए थे। इसके चलते पशुपालक परेशान थे। बता दें, इन संक्रमित पशुओं में से 1,12,000 पशु ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 97% से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने लंपी स्किन डिजीज से मरने वाले पशुओं के मुआवजे के लिए 3,091 पशुपालकों के खातों में 8.05 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। इसमें इस रोग से जान गंवाने वाले प्रति गाय को 30,000 रुपए और बैल को 25,000 रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा बछड़ा को 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इस मुआवजे से पशुपालकों को राहत मिली है। उन्हें इस मुआवजे का काफी समय से इंतजार भी था। विकास भवन स्थित CDO के कार्यकक्ष में बुधवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय से जनपद के किसानों को काफी फायदा होगा। मुख्य राजस्व अधिकारी कृषि विश्वविद्यालय के लिए भूमि चयन प्रक्रिया जल्द पूरा करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उप कृषि निदेशक को निर्देश देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि बीज भंडारों पर बीज समय से पहुंचे और निर्धारित मूल्य पर ही किसानों को मिले। बीज की कालाबाजारी किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। किसानों को सरसों बीज के मिनी किट का वितरण शीघ्र किया जाए। उन्होंने AR कोऑपरेटिव को किसानों को खाद समय से उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिए। देश में कृषि और प्रोसेस्ड फूड के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी जानकारी व्यापार व उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को दी। निर्यात में बढ़त का लाभ देश के किसानों को मिलेगा। दरअसल निर्यात में सुधार होने से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। व्यापार व उद्योग मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कृषि और प्रोसेस्ड फूड उत्पादों के निर्यात में 25% बढ़त की जानकारी दी है। पिछले साल इसी अवधि की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में ये $13,771 तक पहुंच गया। फल, सब्जी, अनाजों, लाइफ स्टॉक व प्रोसेस्ड फूड के निर्यात में तेजी आई है। ये जानकारी बुधवार को व्यापार व उद्योग मंत्रालय ने दी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में यातायात नियम तोड़ने के खिलाफ चली ड्राइव में
कुल 155 लोगों के चालान काटे गए। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि इन 155 लोगों में से 70 तो पुलिस वाले ही थे। अधिकारियों ने बताया कि गुरुग्राम यातायात पुलिस ने करीब 4 घंटे तक पुलिस लाइन, पुलिस आयुक्त कार्यालय और स्थानीय अदालत के पास ये अभियान चलाया था। इस दौरान यातायात पुलिस ने 155 चालान जारी किए, जिनमें से नियम तोड़ने वालों में 70 तो पुलिसकर्मी ही थे। इसमें एक सहायक पुलिस आयुक्त, ACP की कार चलाने वाला ड्राइवर भी शामिल था। इसके बाद ड्राइवर का चालान किया गया और सीट बेल्ट लगाने की भी सलाह दी गई। दिल्ली और NCR क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है, जिसके चलते ये एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर आरोप लगाया है कि चूंकि किसानों ने केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध किया था, इसीलिए भाजपा की केंद्र सरकार किसानों को निशाना बना रही है। सीएम मान का ये बयान ऐसे समय आया है जब पहले भाजपा ने खेत में आग को लेकर मान सरकार पर निशाना साधा था और उन्हें अपनी गहरी नींद से जागने के लिए कहा था। दिल्ली में सुबह से ठंडी हवाएं चलने के साथ तापमान में भी कमी आ रही है। देखा जाए तो दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ रहता है। दिल्ली NCR में जैसे जैसे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। वहीं अगर हम आज के तापमान की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में 5 से 8 नवंबर के बीच बादल छाए रहेंगे। और आज FTB ऑर्गेनिक के क्विज कॉम्पिटिशन में आपके लिए सवाल है कि मूगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है, और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र और नंबर 4 असम। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTB ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसी अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।